थैंक यू मैम। सबसे पहले तो यहाँ जो MM ब्राइट फ्यूचर स्कूल है उनके जो डायरेक्टर सर ने हैं श्री बजीत यादव सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे स्कूल में इनवाइट किया है एक लेक्चर के लिए, मोटिवेशनल लेक्चर के लिए। और मंच पे जो मंचा दीन है बहुत बड़े बड़े शख्सियत हैं, एक्सपीरियंस में भी एज में भी हम एक उनके सामने एक ढोल के का नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना सौभाग्य समझते हैं। डॉक्टर बलजीत सिंह सारन सर और अपने राजेंद्र सर, डॉक्टर साहब शिवाद सर, मिस्टर बलजीत यादव जी डायरेक्टर जो MM ब्राइट फ्यूचर स्कूल के, और हमारे मंच पे सम्माननीय सदस्य और MM स्कूल के सभी स्टाफ गण जो मेहनती हैं, जो कि मैं देख रहा हूँ यहाँ। आज का मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो हीट भी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। मैं टू द पॉइंट आऊँगा। अभी लाइव देखा मैंने बच्चों की प्रतिभा, और मैं आपके सामने ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने ऐसी प्रतिभाएँ स्कूल में देखो जाने का मौका मिलता है। हम भी स्कूल के स्टूडेंट्स रहे हैं, कॉलेज किया फिर यूनिवर्सिटी किया, बहुत सारी जगह जाने का मौका मिला, लेकिन जो प्रतिभा, ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो प्रतिभा मैंने यहाँ दो बच्चियों ने लाइव दिखाया वो मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है, और बहुत ही अमेजिंग लगा, बहुत ही अविश्वसनीय लगा, अविश्वसनीय। हम बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे देख के। जैसे डॉक्टर शिवाज और हम बातचीत कर रहे थे कि बहुत ही अमेजिंग, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर शिवाज तो अभी भी स्तब्ध हैं कि ऐसा कैसे हो गया। बहुत ही बेहतरीन प्रतिभा का, और मैं इसका सारा का सारा जो श्रेय है, क्योंकि बच्चों को जैसा कि सर ने बताया था कि हम जैसे बच्चों को, हर बच्चे के अंदर प्रतिभा होती है, बस फर्क होता है उनको निखारने का, और यहाँ बच्चों की प्रतिभा को निखारने का काम किया गया है, और इसका सारा का श्रेय जाता है यहाँ के जो मेहनती स्टाफ हैं जो लीक से हट के काम कर रहे हैं। देखो हर स्कूल में कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है, लेकिन यहाँ जो देखने को मिली वो बहुत ही अलग मिली, हटके मिली, लीक से हटके कह सकते हैं। आपको हर स्कूल में ये देखने को मिल जाएगा, जो आपके टीचर हैं वो कहेंगे कि बेटा 95% लेके आने हैं, 100 लेके आने हैं, हमारा नाम मत डुबो देना, ये ना करना वो ना करना, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको कुछ लीक से हटके सीखने का मौका मिल रहा है, और जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत ही भाग्यशाली हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं उनका भी सौभाग्य है कि वो इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरा भी लड़का है 10 साल का, और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे वो जो सूरज सर जो यहाँ हैंडल कर रहे हैं, ये जो अभी मैंने देखा है ये प्रतिभावान बच्चों की प्रतिभा को निखारने का काम कर रहे हैं, कोशिश करूंगा। वैसे मेरा दूरी की बात करें तो लगभग 70-75 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है यहाँ से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उनसे संपर्क साध के अपने बच्चे के लिए भी ऐसी प्रतिभा का उनका अंदर का जो है वो निखार करें। तो अब बच्चों ये है कि ये जो मेरा लेक्चर रहेगा ये मोटिवेशनल का है, जैसा कि अब काफ़ी चीज़ें तो आपने देख के ही महसूस कर ली होंगी। अभी जो बच्चे जैसे सर ने बताया, सूरज सर ने, कि 8 बच्चे ऐसी प्रतिभा सीख रहे हैं, मैं तो ये चाहूँगा कि 8 नहीं, यहाँ इस स्कूल के जितने बच्चे हैं वो सीखें और दूसरी जगह भी अपना ये डेमो दें। अच्छा, सभी के लिए ये कैरिकुलम एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें शामिल हो गई हैं, बहुत ही अच्छी बात है, यानी कह सकते हैं कि आपके एक सिलेबस बन गया है, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि आप बाहर जाएंगे तो इस प्रतिभा का